दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट या चिकन रन टू पानी के बारे में यदि आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हो तो बैल आइकन को दबाकर आल पर सेट कर ले चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट एक 2023 ब्रिटिश स्टॉप मोशन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो किर्क पेट्रिक और ओ फेरल द्वारा परिकल्पित कहानी पर आधारित केरी किपेट्रिक जॉन ओ फेरल और राचेल टूनार द्वारा लिखित पटकथा से सैम फेल द्वारा निर्देशित है चार चिकन रन 2000 की अगली कड़ी इस फिल्म का निर्माण एडमन एनिमेशन द्वारा किया गया था और इसमें थांडीवे न्यूटन जाचरी लेवी बेला रैमसे रोमेश रंगनाथन डेविड ब्रेडली डैनियल मैस जेन हॉरोक्स इमेल्डा स्टोन्टन लिन फर्ग्यूसन की आवाजें थीं जोसी सेगविग्डर विस पीटर सेराफिनोविच, निक मोहम्मद और मिरेंडा रिचर्डसन ये रॉकी और जिंजर की कहानी बताती है जो एक बचाव अभियान का नेतृत्व करते हैं जब उनकी बेटी को उनके पुराने दुश्मन श्रीमती ट्वीडी द्वारा संचालित एक अत्यधिक उन्नत पोल्ट्री फार्म में अपहरण कर लिया गया है चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट का विश्व प्रीमियर 14 अक्टूबर 2023 को सड़सठवें लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और 15 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया था फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली कथानक चूंकि मुर्गियां मिस्टर और मिसेज ट्वीडी के फार्म से भाग गईं ए वे एक झील के एक द्वीप पर एक रमणीय अभ्यारण्य में बस गए हैं जहां वे मनुष्यों से सुरक्षित होकर खुशी से रह सकते हैं जिंजर और रॉकी मौली नामक नवजात शिशु के साथ एक परिवार शुरू करते हैं चूहे निक और फ़ैच समय समय पर आपूर्ति के साथ आते हैं मौली ग्यारह साल की एक साहसी लड़की बन जाती है जिसे जिंजर और रॉकी बाहरी दुनिया से बचाने की कोशिश करते हैं मुख्य भूमि पर ट्रकों की उपस्थिति और निर्माण से जिंज को चिंता होती है कि एक और मुर्गी फार्म बनाया जा रहा है और एक माता पिता के रूप में अपने अधिक सतर्क दृष्टिकोण के साथ वह अपने समुदाय को ख़ुद को बेहतर ढंग से छिपाने में मदद करती है मौली की जिज्ञासा उसे चुपचाप मुख्य भूमि की ओर ले जाती है जहां वह फ्रिजल नाम के एक किशोर मुर्गे द्वारा कुचले जाने से बच जाती है दोनों दोस्त फ़नलैंड फॉर्म्स में ले जाए जा रहे मुर्गियों से भरे एक ट्रक पर बैठ जाते हैं जो उन्हें आकर्षक लगता है जिंजर और रॉकी मुर्गों बेब्स बंटी मैक और फाउलर के साथ एक खोज दल बनाते हैं वे पीछा करते हैं और पाते हैं कि फार्म एक अत्यधिक उन्नत पोल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र है जो सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है अंदर मौली और फ्रिजल को एक विशाल मनोरंजन क्षेत्र मिलता है जहां अन्य मुर्गियां सभी क्रमांकित इलेक्ट्रॉनिक कॉलर पहने हुए सवारी पर जाते हैं गेम खेलते हैं आदि रॉकी बिना सोचे समझे परिसर में घुस जाता है अनजाने में विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर देता है जिससे जिंज और अन्य को नुकसान होता है जानकारी जो उन्हें घुसपैठ करने के लिए चाहिए उनके साथ निक और फैचर शामिल हैं जो दूसरों से अलग हो गए हैं लेकिन रॉकी से मिलते हैं मौली और फ्रिजल को पता चलता है कि सक्रिय होने पर कॉलर अन्य मुर्गियों को लापरवाह बेवकूफ़ों में बदल देते हैं फ्रिजल को सुविधा के वैज्ञानिक डॉक्टर फ्राई ने पकड़ लिया और उसे एक कॉलर दिया मौली उसके वापस आने का वादा करते हुए चली जाती है जिंज मौली के साथ फिर से मिलती है और भयभीत होकर जानती है कि उसकी शत्रु श्रीमती ट्वीडी उसके नए पति डॉक्टर फ्राई के साथ ऑपरेशन चला रही है कॉलर मुर्गियों के डर को दबाने नए खाद्य पदार्थों की तलाश करने वाले फास्ट फूड चैन व्यवसायी रेजिनाल्ड स्मिथ के लिए स्वादिष्ट चिकन नगेट्स बनाने का काम करते हैं श्रीमती ट्वीडी जिंजर को पकड़ लेती है और उस पर कॉलर लगा देती है जिसका वो असफल विरोध करती है लेकिन रोकी हस्तक्षेप करता है और मौली उसे मुक्त कर देती है मुर्गियां मुर्गे और चूहे एक मकई साइलो में फिर से एकजुट हो जाते हैं जिसे वे पॉपकॉर्न में बदलकर भाग जाते हैं मौली फ्रिजल के भाग्य पर शोक मनाती है जिससे जी जर और अन्य लोग पीछे मुड़कर अन्य मुर्गियों की भी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं श्रीमती ट्वीडी ने डॉक्टर फ्राई को चिकन नगेट्स का उत्पादन शुरू करने का आदेश दिया जिससे श्रीमती ट्वीडी और रॉकी जिंजर और मौली की टीम के बीच मुर्गियों का ब्रेन वॉश करने वाले रिमोट कंट्रोल के लिए संघर्ष शुरू हो गया जबकि बचाव दल के बाकी सदस्य इसे रोकने की कोशिश करते हैं मुर्गियां बिना सोचे समझे प्रोसेसर की ओर बढ़ रही हैं चिकन तिकड़ी ने लड़ाई जीत ली श्रीमती ट्वीडी को चिकन नगेट की तरह ब्रेड करने के लिए मशीन में भेज दिया जबकि मुर्गियों और चूहों की पूरी आबादी एक ट्रक में भाग गई श्रीमती ट्वीडी उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन फाउलर उन्हें परिसर की खाई में गिरा देता है जहां सुविधा की सुरक्षा द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि साइट मुर्गियों की तोड़फोड़ से फट जाती है मुर्गियां द्वीप पर लौट आती हैं और उनका जीवन सामान्य हो जाता है अब मौली और फ्रिजल मुख्य भूमि पर मुर्गी फॉर्मों की हवाई टोही कर रहे हैं और मुर्गी दल उन लोगों को मुक्त कर रहे हैं जिन्हें वे पाते हैं आवाज डाली थांडी वे न्यूटन जिंजर एक ब्रिटिश मुर्गी और रॉकी की पत्नी के रूप में पहली फिल्म में जिंजर के रूप में जूलिया सावल्हा की पुरालेख रिकॉर्डिंग का उपयोग फ्लैशबैक अनुक्रमों में किया जाता है जाचरी लेवी रॉकी के रूप में एक अमेरिकी पूर्व सकस मुर्गा और जिंजर का पति जिंजर और रॉकी की बेटी मौली के रूप में बेलारैम्स है बंटी के रूप में इमेल्डा स्टॉन्टन एक सन की मुर्गी और पूर्व चैंपियन अंडा परत मैक के रूप में लिन फर्ग्यूसन एक स्कॉटिश बेवकूफ चिकन जो जिंजर का सहायक है फाउलर के रूप में डेविड ब्रैडली एक बुजुर्ग मुर्गा और पूर्व आर शुभंकर बेब्स के रूप में जेन हॉरोक्स एक मंदबुद्धि मुर्गी जो बुनाई में माहिर है निक के रूप में रोमेश रंगनाथन एक सन की मेहतर चूहा फैचर के रूप में डैनियल मेज एक हास्यपूर्ण चूहा जो निक का साथी है जोसी सेग्विक डेविस फ्रिजल के रूप में एक मुर्गी जिसे मौली दोस्ती करती है रेगिनल स्मिथ के रूप में पीटर सैराफिनोविज रेस्तरां की सर ईटे लॉर्ड श्रृंखला के मालिक डॉक्टर फ्राई के रूप में निक मोहम्मद फनलैंड फॉर्म्स के एक वैज्ञानिक जो श्रीमती ट्वीडी के दूसरे पति हैं मिरेंडा रिचर्डसन श्रीमती मेलिशा ट्वीडी के रूप में मुर्गियों की पूर्व मालिक जो अब बदला लेना चाहती है उत्पादन 2000 में चिकन रन पूरा करने के बाद ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के सीईओ और फ़िल्म के कार्यकारी निर्माताओं में से एक जेफरी कैटनबर्ग ने एडमैन एनिमेशन को सीक्वल बनाने का विचार प्रस्तावित किया हालांकि एडमैन ने मना कर दिया क्योंकि वे सीक्वल बनाने के लिए तैयार नहीं थे और साथ ही इसके कर्मचारी मूल फ़िल्म को पूरा करने के बाद थका हुआ महसूस कर रहे थे और इसके बजाय अलग अलग परियोजनाओं पर चले गए तब से सीक्वल के विचार और चर्चाएं वर्षों तक चलती रहीं जब तक कि पहली फ़िल्म के कई क्रू सदस्य कहानी को जारी रखने के लिए सहमत नहीं हो गए पांच अप्रैल 2018 में एडमैन एनिमेशन स्टूडियो कैनाल और पाथे द्वारा चिकन रन का सीक्वल बनाने की सूचना मिली थी छह दो में फ्लश टावे की रिलीज के बाद एडमैन के साथ अपनी साझेदारी समाप्त करने के कारण ड्रीमवर्क्स की कोई भागीदारी नहीं थी सात सैम फेल ने निर्देशन किया और पॉल केवली ने निर्माण किया आठ नौ दो शून्य एक छह में एक पार्टी में फिल्म के मूल सह निर्देशक पीटर लॉर्ड ने फेल से संपर्क किया और उन्हें सीक्वल का निर्देशन करने के लिए एडमैन में लौटने के लिए मना लिया दस मूल चिकन रन लेखक कैरी केरी किरकपैट्रिक और जॉन ओ फेरल अगली कड़ी के लिए लिखने के लिए लौट आए ग्यारह एडमैन के सह संस्थापक पीटर लॉर्ड और डेविड स्प्रॉक्स्टन ने कार्यकारी निर्माता के साथ साथ फिल्म के मूल सह निर्देशक निक पाक के रूप में भी काम किया एक दो एक तीन एक चार 16 अक्टूबर 2019 को फिल्म का आधिकारिक तौर पर प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ एक पांच एक छह एक सात क्योंकि 2005 में एक गोदाम में लगी आग में नष्ट होने के बाद मूल फिल्म के बहुत कम प्रॉप्स और मॉडल बचे थे इसलिए फेल और उनकी टीम ने पुस्तक के निर्माण के लिए मूल फिल्म से संदर्भ तस्वीरों का उपयोग किया अठारह एडमैन ने कहा कि मेल गिब्सन को रॉकी के रूप में लौटने के लिए नहीं कहा गया था उन्नीस जून 2020 में फेल ने सीक्वल के बारे में अधिक विवरण जारी किया जो पहली फिल्म के अंत से शुरू होगा जहां मुर्गियां अपने नए सुरक्षित का क्षेत्र में बस गई हैं जिंज और रॉकी की लड़की मौली मुर्गियों के लिए एक नए खतरे की खबर आते ही क्षेत्र से बाहर निकलना शुरू कर देती है बीस 20 जुलाई दो में पहली फ़िल्म में जिंज की आवाज़ जूलिया सावल्हा ने अपनी भूमिका को दोबारा बनाने के एडमैन के इरादे का ख़ुलासा किया उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ अब बहुत पुरानी लग रही है टिप्पणी की मुझे आधिकारिक तौर पर तोड़ दिया गया है भर दिया गया है और भुना हुआ है इस निर्णय की व्यापक आलोचना हुई और कुछ लोगों ने इसे युगवादी पाया इक्कीस बाईस मुख्य फोटोग्राफी 2021 की शुरुआत में शुरू हुई 23, 24, 25 जनवरी 2022 में जाचरी लेवी थांडीवे न्यूटन डेविड ब्रैडली रोमेश रंगनाथन और डैनियल मेस ने गिब्सन सावलहा बेजामिन विट्रो टिमोथी स्पैल और फिल डैनियल की आवाज के रूप में जगह ली रॉकी जिंजर फाउलर निक और फैचर जबकि जैन हॉरोक्स, इमेल्डा स्टॉन्टन और लिन फर्ग्यूसन ने पहली फिल्म से बाब्स बंटी और मैक के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया फिल्म का शीर्षक चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट के रूप में सामने आया 26 बेला रैम से निक मोहम्मद ऑ रजोसी सेग्विक डेविस ने क्रमशः तीन नए पात्रों मॉली डॉक्टर फ्राई और फ्रीजल को आवाज दी 26 सितंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि मिरेंडा रिचर्डसन श्रीमती ट्वीडी की आवाज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी और पीटर सेराफिनोविच भी रेजिनाल्ड स्मिथ एक थोड़ा भ्रमित व्यवसायी के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए सत्ताईस संगीत हैरी ग्रेगिसन विलियम्स जिन्होंने पहले जॉन पॉविल के साथ पूर्ववर्ती फिल्म का स्कोर बनाया था एडमैन के साथ अपने पांचवें सहयोग को चिन्हित करते हुए फिल्म में स्कोर करने के लिए लौट आए ये दूसरी बार है जब ग्रेगसन विलियम्स ने पॉवेल के साथ अपने पूर्ववर्ती की रचना करने के बाद पूरी तरह से अपने दम पर किसी फिल्म का सीक्वल बनाया पहली ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की श्रेक दो 2004 थी 28. मुक्त करना चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट का प्रीमियर 14 अक्टूबर 2023 को सड़सठ बीएफआई लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ जिसमें दो हजार तेईस हड़ताल के कारण कोई भी कलाकार उपस्थित नहीं था फिल्म के पात्र अपने स्थान पर रेड कारपेट पर चले उनतीस इसे 15 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था तीन शून्य तीन एक तीन दो ग्यारह जून 2023 को एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का पूर्वावलोकन किया गया था तैतीस नेटफ्लिक्स ने विश्वव्यापी वितरण अधिकार खरीदे फिल्म चीन को छोड़कर बीस स्वागत अहमियत भरा जवाब समीक्षा एग्रीगेटेड वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 105 आलोचकों में से 80 प्रतिशत समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग छह दशमलव सात दस है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट अधिक आसान हंसी और आकर्षक एनिमेशन प्रदान करता है जिसका मूल के प्रशंसकों ने आनंद लिया हालांकि कम रिटर्न की एक सामान्य भावना है चौंतीस मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है नैतीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को सौ में से तिरसठ का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है पैंतीस एम्पायर पत्रिका के लिए जॉन नुगेंट ने लिखा महत्वाकांक्षा और तकनीकी दायरा अपने पूर्ववर्ती चिकन रन की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक साहसी है ये कहते हुए कि यह मूर्खतापूर्ण मजाकिया बेहद ब्रिटिश है यह एक पारिवारिक फिल्म है जो बहुत ही ऑडमैन वाई प्रकार के शिल्प के साथ बनाई गई है और देखभाल छत्तीस पुरस्कार पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ मीडिया पुरस्कारों में हॉलीवुड संगीत 15 नवंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर एनिमेटेड फिल्म रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स मनोनीत सैंतीस सैन डिएगो फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी 19 दिसंबर 2023 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड चित्र चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट मनोनीत निर्देशक सैम फेल पटकथा की है कैरी किर्क पैट्रिक जॉन ओ फैरल राचेल टू कहानी कैरी किर्क पैट्रिक जॉन ओ फैरल द्वारा उत्पादित स्टीव पेग्राम लेला होबार्ट अभिनीत थांडीवे न्यूटन जाचरी लेवी बेला रामसे, इमेल्डा स्टॉन्टन लिन फर्ग्यूसन डेविड ब्रैडली जेन हॉरोक्स रोमेश रंगनाथन डैनियल मेयर्स, जोसी सेग्विक डेविस पीटर सेराफिनोविच निक मोहम्मद मिरांडा रिचर्डसन, छायांकन चार्ल्स कॉपिंग द्वारा संपादित स्टीफन पर संगीत दिया है हैरी ग्रेगसन विलियम्स उत्पादन कंपनियां एडमन एनिमेशन एक नेटफ्लिक्स एनिमेशन एक द्वारा वितरित नेटफ्लिक्स रिलीज करने की तिथि 14 अक्टूबर 2023। हजार 15 दिसंबर 2023। कार्यकारी समय अट्ठानवे मिनट दो देश यूनाइटेड किंगडम इसाबेला में रैम से जन्म 25 सितंबर 2003 एक अंग्रेजी अभिनेता हैं उन्हें एचबीओ फैंटेसी टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स 2016-2019 में युवा राइस लियाना मामोंड और एचबीओ ड्रामा श्रृंखला द लास्ट ऑफ एस 2023 वर्तमान में एली के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के लिए जाना जाता है उन्हें बाद के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ एक दो रैमसे ने दो हजार सीबीबीसी श्रृंखला द वर्स्ट विच में मिलरिड हबल की भूमिका भी निभाई तीन और 2022 की ऐतिहासिक कॉमेडी फिल्म कैथरीन कॉल्ड बर्डी में अभिनय किया बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए क्रिटिक्स चवाइस मूवी अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया प्रारंभिक जीवन और शिक्षा इसाबेला में रैमसे का जन्म 25 सितंबर 2003 को नॉटिंगहम में हुआ था चार पांच छह उन्होंने ऑनलाइन स्कूल किंग्स इंतहाई के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की सात रैमसे ने चार साल की उम्र में स्टेज कोच थिएटर आर्ट्स की लॉफबोरो शाखा के माध्यम से एक शौक के रूप में अभिनय करना शुरू किया जिसमें उन्होंने सात साल तक भाग लिया आठ नौ एक शून्य फिर वे टेलीविजन कार्यशाला में गए और पेशेवर भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देना शुरू किया नौ एक, एक एक दो एक तीन आजीविका दो में रैमसे 2016 से 2019 तक रैमसे ने एचबीओ फैंटेसी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में लियाना मामोन की भूमिका निभाई यह भाग रैमसे की पहली श्रेय प्राप्त भूमिका है द ब्रोकन मैन सीजन 6 एपिसोड 7 में अपनी पहली उपस्थिति के बाद प्रशंसकों और आलोचकों ने कहा कि रैमसे उनके चरित्र की बकवास नेतृत्व शैली को चित्रित करने के लिए एक असाधारण अभिनेता थे तीन चौदह सीजन के समापन में उनकी उपस्थिति के बाद ये प्रतिक्रिया दोहराई गई पन्द्रह हॉलीवुड रिपोर्टर ने उन्हें सीजन छह का ब्रेकआउट स्टार कहा सोलह रैमस ने श्रृंखला के सातवें और आठवें सीजन में भूमिका जारी रखी रैमसे ने द वर्स्ट विच किताबों के 2017 टीवी रूपांतरण में मुख्य पात्र मिलरिड हबल के रूप में अभिनय किया तीन जिसके लिए उन्होंने 2019 ब्रिटिश अकादमी चिल्ड्रन अवार्ड्स में यंग परफॉर्मर का पुरस्कार जीता सत्रह रैमसे ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए दो में श्रृंखला छोड़ दी है 18 चौथे और अंतिम सीजन के लिए लिडिया पेज के साथ उनकी भूमिका को दोबारा तैयार किया गया 19. रैमसे ने 2018 नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला हिल्डा में शीर्षक चरित्र को आवाज़ दी जिसके लिए उन्होंने ल्यूक पियसन कट म्यूलर और स्टेफनी सिम्सन के साथ सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन एनिमेशन के लिए दो बाफ्टा पुरस्कार जीता श्रृंखला ने रैमसे की गायन प्रतिभा की शुरुआत को चिन्हित किया उनके पहले गीत द लाइफ ऑफ हिल्डा को 25 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया 20 और बाद में 14 दिसंबर 2020 को शो के दूसरे सीजन की रिलीज के साथ 21 उन्होंने 80 मिनट की मूवी स्पेशल हिल्डा एंड द माउंटेन किंग में हिल्डा की भूमिका मिका दोहराई जिसका प्रीमियर 30 दिसंबर 2021 को हुआ फरवरी 2021 में रैमसे को 2013 के वीडियो गेम द लास्ट ऑफ एसकेएचबीओ रूपांतरण के लिए एली की मुख्य भूमिका में साथ ही गेम ऑफ थ्रोन्स के पूर्व छात्र पैद्रो पास्कल के साथ लिया गया था बाईस ट्वेंटी ट्वेंटी वन में वे सफिया ओकले ग्रीन के साथ लेस्बियन हॉरर लघु फिल्म रिकवे में दिखाई दी तेईस जुलाई दो हजार तेईस में वे द लास्ट ऑफ एस में अपने किरदार के लिए पचहत्तरवें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए नामांकित होने वाले पहले गैर बाइंड्री अभिनेता बन गए चौबीस सितंबर दो हजार तेईस में रैमसे को टाइम का सौ अगली सूची में शामिल किया गया था अभिनेता एम डी आरसी ने उनके अभिनय कौशल और सक्रियता की प्रशंसा की पच्चीस व्यक्तिगत जीवन रैमसे की पहचान गैर बाइनरी के रूप में है छब्बीस सत्ताईस जबकि उन्होंने कहा कि वे वे सर्वनाम मेरे लिए सबसे सच्ची चीज हैं अट्ठाइस वे इस बात के प्रति उदासीन हैं कि उनके लिए कौन से सर्वनाम का उपयोग किया जाता है उनतीस तीस अपनी कामुकता के बारे में रैमसे ने कहा कि वे सौ प्रतिशत सीधे नहीं हैं मैं थोड़ा तरंगित हूं अट्ठाइस रैमसे ईसाई हैं और कहते हैं कि उनके विश्वास ने एनोरेक्सिया नर्वोसा से उनके संघर्ष में मदद की 2020 में उन्होंने यूनाइटेड होप नाम से एक यूट्यूब चैनल और संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट चलाया जहां उन्होंने अपना विश्वास साझा किया तीन एक तीन दो तीन तीन रैम से कई वर्षों से शाकाहारी हैं और शाकाहार के मुखर समर्थक हैं चौंतीस स्टैंटन का जन्म आर्कवे उत्तरी लंदन में हुआ था वह ब्रिडी नी मैक्निकोलस एक हेयरड्रेसर और जोसेफ स्टॉन्टन एक मजदूर की एकमात्र संतान थे तीन चार वे स्टॉन्टन की मां के सैलून में रहते थे पांच उनके माता पिता काउंटी मेयो आयरलैंड से पहली पीढ़ी के कैथोलिक आप्रवासी थे छह उनके पिता बल्लीवरी से और उनकी मां बोहोला से थीं सात उनकी मां एक संगीतकार थीं जो संगीत नहीं पढ़ सकती थीं लेकिन अकॉर्डियन या फिडेल पर कान से लगभग कोई भी धुन बजा सकती थीं और आयरिश शोबैन में बजाती थीं छह स्टैंटन के माता पिता तब अलग हो गए जब वो किशोरावस्था में थी बाद में दोनों को नए साथी मिले ला सेंटे यूनियन कैथोलिक स्कूल में एक छात्र के रूप में आर्ट स्टॉन्टन ने अपने भाषण शिक्षक के साथ नाटक कक्षाएं ली और स्कूल के नाटकों में अभिनय किया जिसमें द बैगस ओपेरा में पॉली पीचम की भूमिका भी शामिल थी छः नौ अपने शिक्षक से प्रोत्साहित होकर उन्होंने ड्रामा स्कूलों के लिए ऑडिशन दिया और अट्ठारह साल की उम्र में रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट आर में प्रवेश लिया दस उन्होंने सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा और गिल्ड हॉल स्कूल के लिए भी असफल ऑडिशन दिया संगीत और नाटक का नौ अभिनय करियर स्टॉन्टन ने 1976 में राडा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की 11 12 फिर ब्रिटिश रिपेट्री थिएटर में छह साल बिताए जिसमें नॉर्थकॉर्ट थिएटर एक्सेटर में एक अवधि भी शामिल थी जहां उन्होंने शो के सेंट जोन उन्नीस में शीर्षक भूमिका निभाई थी इसके बाद वो नेशनल थिएटर की भूमिकाओं में चली गई जिसमें द बैगज ओपेरा उन्नीस में, में लूसी लॉकेट भी शामिल थी जिसने संगीत में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और थिएटर में वर्ष की सबसे होनहार नवागंतुक के लिए ओलिविया पुरस्कार नामांकन अर्जित किया तेरह वह नेशनल थिएटर में गाइज एंड डॉल्स के दो पुनरुद्धारों में भी दिखाई दी पहली बार उन्नीस में जिसमें उनकी मुलाकात अपने पति जिम कार्टर से हुई थी चौदह और दूसरी बार उन्नीस में जिसमें उन्होंने मिस एडिलेट की भूमिका निभाई थी और उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ओलिविया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था पन्द्रह उन्नीस में स्टॉन्टन ने द कॉर्न इज ग्रीन एट द ओल्ड विक और ए एक ऑफ डिसअप्रूवल इन द नेशनल थिएटर दोनों में अपने काम के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता 16 उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के उन्नीस में बाबिकन सेंटर में द विजार्ड ऑफ ओस के पुनरुद्धार में डोरोथी गेल की भूमिका निभाई सत्रह अठारह जिसने उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक और ओलिवियर नामांकन दिलाया उन्नीस टोंटन ने मूल लंदन प्रोडक्शन इंटू द वुड्स उन्नीस सौ नब्बे में बेकर की पथ की भूमिका निभाने के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला लॉरेंस ओलिविया पुरस्कार जीता सैमुअल फेल जन्म बाईस नवंबर उन्नीस सौ पैंसठ थ्री एक ब्रिटिश एनिमेटर निर्देशक पटकथा लेखक और आवाज अभिनेता हैं सैम ने तीन पीच एनिमेशन के लिए लघु फिल्म द बिग चीज से निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया इसके बाद वो एडमैन एनिमेशन में शामिल हो गए और 2002 के प्रोजेक्ट चम का निर्देशन करने से पहले पॉप पीटर लॉर्ड की ऑस्कर नामांकित लघु फिल्म वॉट्सपिग साथ ही रेक्स द रन जैसी परियोजनाओं पर काम किया उन्होंने रैबिट्स नामक एक बच्चों की टीवी श्रृंखला भी विकसित की 2001 में वह फ्लश टवे की कहानी लेकर आए जिसे उन्होंने 2002 तक विकसित किया 2003 से उन्होंने एडमैन के लिए फिल्म का निर्देशन डेविड बोवस के साथ किया उन्होंने लियाम द प्रोफेट लेडी किलर और फैंसिलर जैसे किरदारों को आवाज भी दी 2008 से उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए द टेल ऑफ डेस्प्रिक्स का निर्देशन किया और नेड और स्मज के पात्रों की आवाज भी दी फेल ने क्रिस बटलर के साथ लाइका के पैरान का सह निर्देशन किया जो अगस्त 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी कैरी किरपेट्रिक जन्म चौदह दिसंबर उन्नीस सौ वन एक अमेरिकी पटकथा लेखक फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं उनकी फिल्मों में चिकन रन द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर जेम्स एंड द जॉइंट पीच ओवर द हेज द स्पाइडविक क्रॉनिकल्स चार्लोट्स वेब और द हेचाईकर गाइड टू द गैलेक्सी शामिल हैं उन्होंने एडी मफी अभिनीत ओवर द हेज इमेजिन दैट और स्मॉल फुट जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया है किर्ट पेट्रिक ने 2012 में स्टूडियो घिबली फिल्मों द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एरिटी और 2013 में फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल की अमेरिकी रिलीज के लिए अंग्रेजी भाषा की पटकथाएं लिखीं उनके बड़े भाई अमेरिकी गीतकार और संगीतकार वेन किरपेट्रिक हैं जिनके साथ उन्होंने 2015 का संगीतमय समथिंग लॉटन लिखा था साथ ही 2020 का संगीतमय मिसेज फायर जीवन और करियर किरपेट्रिक ने अपना करियर वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन में एक स्टाफ लेखक के रूप में शुरू किया जहां उन्होंने तीन साल से अधिक समय तक काम किया उस दौरान उन्होंने द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर में सह लेखक के रूप में अपना पहला पटकथा लेखन श्रेय अर्जित किया वह एक स्वतंत्र पटकथा लेखक बनने गए और उनके शुरुआती लेखन क्रेडिट में हनी बी श्रंक अवसेल्वज जेम्स एंड द जॉइंट पीच और द लिटिल वैम्पायर शामिल हैं उन्नीस में कि पैट्रिक ने पीटर लॉर्ड और निक पार्क की कहानी से एडमैन के चिकन रन के लिए पटकथा लिखी किर्ट पैट्रिक ने टचस्टोन पिक्चर्स और स्पाईग्लास एंटरटेनमेंट के लिए द हिचाइक गाइड टू द गैलेक्सी का पटकथा रूपांतरण भी लिखा किर्ट पेट्रिक का ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के साथ एक पुराना रिश्ता था जहां उन्होंने द रोड टूएल्ड डोरेडो और मेडिगास्क में एक लेखक या कहानी सलाहकार के रूप में योगदान दिया है मई 2006 हजार छह में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने ओवर द हेज रिलीज किया जिसके लिए किर्ट पेट्रिक ने पटकथा का सह लेखन किया और टिम जॉनसन के साथ निर्देशन क्रेडिट साझा करते हुए अपने निर्देशन की शुरुआत की उसी वर्ष किर्ट पेट्रिक ने पैरामाउंट पिक्चर्स वर्ल्डन मीडिया निकेलोडियन मूवीज़ के लिए वाइट e. के क्लासिक चार्लोट्स वेब के लाइव एक्शन रूपा तरण की पटकथा का सहलेखन किया उन्होंने पार्टनर क्रिस पोचे के साथ कॉमेडी फ्लेक्स का निर्माण और सहलेखन किया उन्होंने पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए एडी मफी ड्रामा इमेजिन दैट का निर्देशन किया किर्ट पैट्रिक ने 2012 में जापानी एनिमेटेड फिल्मों द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एरिटी और 2013 में फ्रॉम अपॉन पॉपी हिल की अमेरिकी रिलीज के लिए अंग्रेजी भाषा की पटकथा लिखी दोनों का निर्माण स्टूडियो घिबली द्वारा किया गया था उसी वर्ष उन्होंने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की दसमर्फ दो की पटकथा में योगदान दिया और उन्हें मंदबुद्धि नीले पैरों वाले बूबी के बारे में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की एक मूल कॉमेडी फिल्म के लेखक और निर्देशक के रूप में घोषित किया गया दो 2006 में कैरी किर्क पैट्रिक दो में कैरी और उनके भाई वेन ने म्यूजिकल समथिंग रॉटन पर काम करना शुरू किया तीन दो में उन्हें थिएटर के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ मूल्स को संगीत और या गीत के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था चार कैरी को जॉन ओ फेरल के साथ संगीत की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए भी नामांकित किया गया था चार उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल कास्ट रिकॉर्डिंग के लिए ग्रामी नामांकन भी मिला किर्ट पेट्रिक ने एनिमेटेड म्यूजिकल कॉमेडी स्मॉल फुट दो लिखी और निर्देशित की जो वॉनर एनिमेशन ग्रुप द्वारा निर्मित और सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स द्वारा एनिमेटेड थी पांच छह किर्ट पेट्रिक ने अपने भाई वैन के साथ मिलकर फिल्म के छह मूल गाने भी लिखे किट पेट्रिक ने डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म फिनिस एंड फॉर द मूवी कैंडस अगेंस्ट द यूनिवर्स के लिए सच ए ब्यूटीफुल डे गीत का सहलेखन भी किया जिसके लिए उन्हें प्री स्कूल बच्चों या एनिमेटेड कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट मूल गीत के लिए एमी नामांकन मिला किट पेट्रिक और उनके चिकन रन के सहलेखक जॉन ओ फेरल को दो में एक सीक्वल फिल्म चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट की पटकथा के लिए काम पर रखा गया था साथ यह फिल्म 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता टिप्पणियां उन्नीस जेम्स और विशाल पीच नहीं हाँ नहीं उन्नीस प्रिय हमने खुद को सिकोड़ लिया नहीं हाँ नहीं 2000 हज़ार कुकुटाव की दुकान नहीं हाँ नहीं छोटा पिशाच नहीं हाँ नहीं 2005 हज़ार पाँच गैलेक्सी के लिए सहयात्री मार्गदर्शिका नहीं हाँ नहीं 2006 हज़ार छः बाड़े पर हाँ हाँ नहीं टिम जॉनसन के साथ सहनिर्देशित शेलोट्स वेब नहीं हाँ नहीं 2007 हजार गुच्छे नहीं हाँ हाँ 2008 हज़ार आठ स्पीडविक क्रॉनिकल्स नहीं हाँ हाँ 2009 कल्पना करो कि हाँ नहीं नहीं साथ ही संगीत विभाग निर्माता लेखक कलाकार 2011 हज़ार ग्यारह फ्रॉम अपॉन पॉपी हिल नहीं हाँ नहीं अमेरिकी अनुकूलन 2012 हज़ार की गुप्त दुनिया नहीं हाँ नहीं अमेरिकी अनुकूलन अतिरिक्त आवाज़ें भी 2013 हज़ार तेरह दो नहीं हाँ नहीं 2018 छोटा पैर हाँ हाँ कार्यकारिणी गीतकार भी 2023 चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट नहीं हां कार्यकारिणी टेलीविजन वर्ष शीर्षक टिप्पणियां उन्नीस टिमोन और पुम्बा लेखक एपिसोड ओके के बेउ जिमी फॉलनर अभिनीत द टुनाइट शो क्वीन लतीफा सैम रॉकवेल समथिंग रॉटन बिना श्रेय अन्य श्रेय वर्ष शीर्षक भूमिका उन्नीस बचावकर्मी नीचे एनिमेशन पटकथा कथा दो हजार एल डोरेडो की सड़क अतिरिक्त संवाद 2004 आकर्षण के नियम अतिरिक्त स्क्रिप्ट 2005 हज़ार का रचनात्मक सलाहकार 2006 हेमी हैमी का बूमरैंग साहसिक कार्य छोटा रचनात्मक सलाहकार 2015 हज़ार पंद्रह उनहत्तरवें टोनी पुरस्कार गीतकार एक संगीतमय अजीब जादू विशेष धन्यवाद 2017 सच्चा डॉन क्विकॉट कार्यकारी निर्माता इकहत्तरवें टोनी पुरस्कार गीतकार प्रारंभिक संख्या 2018 आदि मानव कहानी सलाहकार 2019 एडम्स परिवार विशेष धन्यवाद एश ऑन द शीप मूवी फॉर्म गेडन दो हजार बीस और फॉर द मूवी कैंडस अगेंस्ट द यूनिवर्स गीतकार इतना खूबसूरत दिन आठ जॉन ओ फैरल जन्म 27 मार्च उन्नीस एक ब्रिटिश लेखक हास्य पटकथा लेखक और राजनीतिक प्रचारक हैं पहले स्पिटिंग इमेज और हैव आई गॉट न्यूज फॉर यू जैसे शो के मुख्य लेखक थे अब उन्हें द मैन हु हिज वाइफ और एनटली इम्पार्टियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जैसी किताबों के लिए हास्य लेखक के रूप में जाना जाता है वो उन गिने चुने ब्रिटिश लेखकों में से एक हैं जिन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों में बेस्ट सेलर का दर्जा हासिल किया है एक उन्होंने द गार्जियन के लिए अपने साप्ताहिक कॉलम के तीन संग्रह भी प्रकाशित का ए हैं और ब्रिटेन की पहली दैनिक व्यंग्यपूर्ण समाचार वेबसाइट न्यूज बिस्किट की स्थापना की है दो हास्य कलाकार एंजेला बॉन्स के साथ वह हल्के फुल्के ऐतिहासिक पॉडकास्ट वीआर हिस्ट्री के सहमेजबान हैं तीन ओ फैरल ने म्यूजिकल समथिंग रोटन का सहलेखन किया जो अप्रैल 2015 में ब्रॉडवे पर खुला चार और मिसेज डाउटफायर के ब्रॉडवे संगीत का सहलेखन किया जो दिसंबर 2021 में ब्रॉडवे पर और मई 2023 में लंदन के वेस्ट एंड में खुला 5 सितंबर 2017 में उन्होंने थिंग्स कैन प्रकाशित किया केवल बदतर हो जाओ उन्नीस के राजनीतिक संस्मरण की अगली कड़ी जिसने मूल रूप से उनका नाम बनाया उनकी पुस्तकों का लगभग तीस भाषाओं में अनुवाद किया गया है और रेडियो और टेलीविजन के लिए अनुकूलित किया गया है छ प्रारंभिक जीवन ओ फेरल मेडनहेड बर्कशायर में पले बढ़े एक तीन बच्चों में सबसे छोटे उन्होंने कोर्ट हाउस प्राइमरी स्कूल और फिर डेसबोरो कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़ाई की जहां उन्होंने स्कूल पत्रिका के लिए कॉमेडी लिखी और स्कूल के उन्नीस के मॉक चुनाव में लेबर उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए उनके पिता गोलवे आयरलैंड के एक पुस्तक विक्रेता थे जबकि उनकी मां ऑक्सफैम और एमनेस्टी इंटरनेशनल में सक्रिय थीं डायना डोर्स और डोनाल्ड प्लेजेंस के साथ हॉरर फिल्म फ्रॉम बियॉन्ड द ग्रेव में प्रदर्शित होने से पहले उन्होंने रेड रूफ्स थिएटर स्कूल में कक्षाओं में भाग लिया और दस साल की उम्र में वेस्ट एंड में क्रिस्टोफर रॉबिन की भूमिका निभाई सात ओ फेरल ने एक्सेटर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और नाटक का अध्ययन किया आठ पटकथा लेखन करियर ओ फैरल उन्नीस में बैटरसी में जोंगलज में एक प्रतिभा प्रतियोगिता जीतकर लंदन चले गए लेकिन कॉमेडी लेखन के पक्ष में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ दी नाइन रेडियो चार के वीकेंडिंग की खुली बैठकों में भाग लेने के बाद उन्होंने मार्क बर्टन के साथ एक लेखन साझेदारी बनाई दस और वे जल्द ही शो के प्रमुख लेखक बन गए दोनों ने बीबीसी रेडियो कॉमेडी राइटर्स बर्सेरी जीता और कई रेडियो कॉमेडी श्रृंखलाओं के लिए लिखा जिनमें लिटिल ब्लाइटी ऑन द डाउन मैके द न्यू और पीट सिंक्लेयर के साथ ए लुक बैक एट द नाइन्टीज और लुक बैक एट द फ्यूचर शामिल हैं जिसे ओ फेरल ने भी प्रदर्शित किया ग्यारह बाद वाली श्रृंखला ने एक ब्रिटिश कॉमेडी पुरस्कार एक गोल्ड सोनी रेडियो अकादमी पुरस्कार और एक प्रेमियोस ओनडास जीता बर्टन और ओ फेरल को 1988 में स्पिटिंग इमेज के लिए नियुक्त किया गया था और अगले वर्ष वे शो के दो प्रमुख लेखक बन गए जहां वे दस श्रृंखलाओं के लिए बने रहे जॉन मेजर को स्थायी रूप से ग्रे बनाने के विचार का श्रेय ओ फेरल को दिया जाता है बारह उन्होंने क्लाइव एंडरसन टॉक्स बैक निक हैंकॉक ऑन रूम 101, सौ एक मदर मोस्ट हॉरिड के लिए भी लिखा और अला स्मिथ और जोन्स के लिए कुछ हेड्स टू हेड्स का सहलेखन किया उन्नीस में उन्होंने स्पिटिंग इमेज छोड़ दी और हैव आई गॉट न्यूज फॉर यूके स्क्रिप्टेड भागों के लिए श्रेय प्राप्त करने वाले पहले लेखक बन गए हैट्रिक प्रोडक्शंस के लिए फिर से उन्होंने जिम ब्रॉडबेंड अभिनीत बीबीसी एक सिटिकॉम द पीटर प्रिंसिपल यूएस में द बॉस लिखा उन्होंने एडमैन फिल्म चिकन रन की पटकथा में भी योगदान दिया तेरह अप्रैल दो में ये घोषणा की गई थी कि ओ फेरल चिकन रन की अगली कड़ी का सह लेखन कर रहे थे चौदह ओ फेरल ने मूल मंच संगीतमय समथिंग रोटन के लिए पुस्तक का सह लेखन किया जो अप्रैल 2015 में ब्रॉडवे पर शुरू हुआ पंद्रह और जिसके लिए उन्हें कैरी किरपेट्रिक के साथ संगीत की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए टोनी पुरस्कार के साथ साथ ड्रामा डेस्क पुरस्कार और आउटर सर्कल क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था संयुक्त राज्य भर में दौरे पर जाने से पहले यह शो ब्रॉडवे पर लगभग दो वर्षों तक चला अगस्त 2018 में ये घोषणा की गई थी कि उसी टीम को ब्रॉडवे के लिए फिल्म मिसेज फायर का स्टेज म्यूजिकल लिखने के लिए नियुक्त किया गया था पांच स्टेज म्यूजिकल जिसका शीर्षक मिसेज फायर भी है का प्रीमियर वाशिंगटन के सिएटल में पांचवें एवेन्यू थिएटर में हुआ और दिसंबर 2021 में ब्रॉडवे पर स्टीफन सोन्डिम थिएटर में शुरू हुआ सोलह ये सितंबर 2022 में मैनचेस्टर ओपेरा हाउस में खुला और स्थानांतरित हो गया मई 2023 में लंदन के वेस्ट एंड में शाफ्ट्री थिएटर सत्रह साहित्यिक करियर उन्नीस में ओ फैरल ने थिंग्स कैन ओनली गेट बैटर अट्ठारह मिजरेबल ईयर्स इन द लाइफ ऑफ ए लेबर स्पोर्टर प्रकाशित किया ये पुस्तक नंबर एक बेस्ट सेलर बन गई और इसे जॉर्ज ऑरविल पुरस्कार और चैनल चार राजनीतिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया पुस्तक की लोकप्रियता के कारण ओ फैरल को उन्नीस लेबर पार्टी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया इस संस्मरण को जैक डी और दून मैकिचन अभिनीत बीबीसी रेडियो चार के लिए रूपांतरित किया गया था सितंबर 2010 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा इसे बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की पू स्तकों के बाद उन्नीस के बाद से ब्रिटेन के तीसरे सबसे अधिक बिकने वाले राजनीतिक संस्मरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया था अठारह 1999 में ओ फेरल ने द इंडिपेंडेंट में एक साप्ताहिक व्यंग्य कॉलम शुरू किया जो जल्द ही द गार्जियन में बदल गया जहां वो 2005 तक रहे उनके कॉलम के तीन संग्रह प्रकाशित हुए हैं ग्लोबल विलेज इडियट आई ब्लेम द स्कैप गोअर्स एंड आई हैव ए ब्रीम उन्नीस 2000 में ओ फेरल ने अपना पहला उपन्यास द बेस्ट मैन कैन गेट प्रकाशित किया जो 2002 में सबसे अधिक बिकने वाला पहला उपन्यास था और अंततः इसकी पांच मिलियन प्रतियां बिकी इसे मार्क हीप और तमसिन ग्रेग अभिनीत बीबीसी रेडियो चार के लिए नाटकीय रूप दिया गया था उपन्यास को बाद में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा चुना गया इसके बाद दो और उपन्यास आए दिस इज योर लाइफ और मे कंटेन नट्स जिनमें से बाद वाले को बोलिंग एवरीमैन वोडहाउस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उनके पूर्व सह लेखक मार्क बर्टन द्वारा आईटीवी के लिए अनुकूलित किया गया और इसमें शर्ली हैंडरसन और डैरन बॉर्ड ने अभिनय किया तेरह बीस 2007 में वह एनअली इम्पार्टियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन या 2000 हजार ईयर्स ऑफ अपर क्लास इडियट्स इन चार्ज के प्रकाशन के साथ नॉन फिक्शन में लौट आए जो बीबीसी रेडियो चार की बुक ऑफ द वीक थी और इसकी दो सौ से अधिक प्रतियां भी कहीं इसके बाद अक्टूबर 2009 हजार नौ में एनअली एक्सप्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ब्रिटेन या 60 ईयर्स ऑफ मेकिंग द सेम स्टूपिड मिस्टेक्स एज ऑलवेज प्रकाशित हुई उनका चौथा उपन्यास द मैन हु फॉरगॉट हिज वाइफ मार्च 2012 में प्रकाशित हुआ था और इसे कॉमिक फिक्शन के लिए बोलिंग हाउस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था 21. ओ फेरल ने कई चैरिटी संग्रहों में लघु कहानियों और गैर काल्पनिक कृतियों का योगदान दिया है निक हॉबी की स्पीकिंग विद द एंजल 22 मैजिक तेईस मम्स डैड्स एंड बींग ब्रिटिश जिसे गॉर्डन ब्राउन द्वारा संपादित किया गया है उन्होंने द एनिवर्सरी के लिए एक कहानी का भी योगदान दिया जो क्विक रीड्स इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में प्रकाशित लघु कहानियों का एक संग्रह है नवंबर 2015 में उन्होंने अपना पांचवां उपन्यास देस ओनली टू डेविड बेकहम प्रकाशित किया जिसे 2022 में कतर विश्व कप में एक फुटबॉल फैंटसी सेट के रूप में वर्णित किया गया जिसने उन्हें वोट हाउस पुरस्कार के लिए अपना तीसरा नामांकन प्राप्त किया चौबीस सितंबर दो में उन्होंने थिंग्स कैन ओनली गेट वसेज प्रकाशित किया एक लेबर स्पोर्टर के जीवन में बीस भ्रमित करने वाले वर्ष उनके पहले राजनीतिक संस्मरण की अगली कड़ी जहां से मूल कहानी खत्म हुई थी उन्नीस के न्यू लेबर भूस्खलन से लेकर ब्रेक्सिट तक की दो दशकों की यात्रा डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव और थेरेसा मे का दो का आकस्मिक चुनाव इस संस्मरण को 2017 के संसदीय पुस्तक पुरस्कारों के लिए एक गैर सांसद द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए चुना गया था पच्चीस और इसे बीबीसी रेडियो चार पर क्रमांकन के लिए अनुकूलित किया गया था छब्बीस फेरल ने यूके में एक मिलियन से अधिक किताबें बेची हैं और उनके उपन्यासों का लगभग तीस भाषाओं में अनुवाद किया गया है जिसमें द बेस्ट मैन कैन गेट का जापानी मंगा संस्करण भी शामिल है तेईस प्रसारण ओ फेरल न्यूज नाइट रिव्यू क्वेश्चन टाइम ग्रम्पी ओल्ड मैन जैसे कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं तेरह और हैव आई गॉट न्यूज फॉर यू शो की प्रोडक्शन टीम में काम करने वाले एकमात्र अतिथि हैं उन्होंने बीबीसी एक के लिए लूजिंग माई हेड और पैरानॉर्ड पेरेंटिंग और ड्रीमिंग ऑफ टॉड हॉल सत्ताइस टर्न ओवर योर पेपर्स नाउ और रेडियो चार के लिए द ग्रैंड मास्क्रेड जैसे कई टीवी और रेडियो वृत्चित्र लिखे और प्रस्तुत किए हैं ओ फैरल के रेडियो कार्यक्रम के बाद किट विलियम्स उन्नीस की खजाना खोज पुस्तक पर ग्रैंड मास्क्रेड सुनहरा खरगोश गायब होने के बीस साल बाद फिर से प्रकट हुआ अट्ठाइस 2013 में उन्हें बीबीसी रेडियो चार के वुमन्स आवर द्वारा एक नई पुरुष अधिकार पार्टी के लॉन्च के खिलाफ नारीवादी मामला रखने वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया था उनतीस वो 2016 और 2019 में पॉइंटलेस सेलिब्रिटीज़ में दिखाई दिए और दिसंबर 2012 में यूनिवर्सिटी चैलेंज पर एक्सेटर एल्यूमिनी टीम की कप्तानी की अन्य टीवी प्रस्तुतियों और रेडियो प्रसारणों में क्राइम टीम वॉर्ड द पेपर्स से द न्यूज क्विज हैरिससी कोट अनकोट शामिल हैं The Right Stuff, The Delhi Politics, What the Dickens, The 11 o Clock Show, We Have Been हिफोर ha. क्लाइव Before, Clive Anderson Chat Room or जनवरी Ends. हजार 2020 में उन्होंने कॉमेडियन एंजेला बॉन्स के साथ मिलकर वी आर हिस्ट्री नाम से एक नया पॉडकास्ट बनाया जो ब्रिटिश और विश्व इतिहास की मजेदार विचित्र या दिलचस्प कहानियों को पेश करता है इंटरनेट सितंबर 2006 में ओ फैरल ने इंटरनेट पर ब्रिटिश कॉमेडी के लिए एक नया आउटलेट बनाने के लिए ब्रिटेन की पहली दैनिक समाचार व्यंग्य वेबसाइट न्यूज बिस्किट लॉन्च की टी साइट एक सबमिशन बोर्ड का उपयोग करके नया लेखन भी विकसित करती है जहां पाठक एक दूसरे की सामग्री को रेट कर सकते हैं और पुनर्लेखन या संपादन का सुझाव दे सकते हैं कुछ बेहतरीन कहानियों का एक संग्रह दो में आइल ऑफ़ वाइट टू गेट गेट्सैक्स के रूप में प्रकाशित हुआ था इकतीस कई लेखकों ने न्यूज़ बिस्किट पर अपनी सामग्री विकसित करने के बाद बीबीसी रेडियो का लिए लिखना या किताबें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है बत्तीस जून 2021 में उन्होंने ट्विटर पर घोषणा की कि वो साइट को संपादकों की टीम को दे रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से साइट को प्रभावी ढंग से चला रहे थे तैतीस राजनीति कई वर्षों तक ओ फेरल लेबर पार्टी के सदस्य रहे हैं वो 2001 के आम चुनाव के दौरान अपने गृह नगर मेडनहैड अपूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे का निर्वाचन क्षेत्र में लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लूजिंग माई मेडनहेड का विषय था 2005 के आम चुनाव के दौरान लेबर सदस्यों को भेजे गए उनके कॉमिक ईमेल ने पार्टी के चुनाव अभियान के लिए सैकड़ों हजारों पाउंड जुटाए अप्रैल 2007 में उन्होंने इंटरनेट पर किसी सेवारत प्रधानमंत्री का पहला साक्षात्कार आयोजित किया जब उन्होंने टोनी ब्लेयर से बात की चौंतीस उन्होंने प्रधानमंत्री ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन के साथ साथ अन्य वरिष्ठ श्रमिक हस्तियों के लिए चुटकुले लिखे हैं पैंतीस उन्होंने लैम्बेथ में खोले जाने वाले एक नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय लैम्बेथ अकादमी के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया और 2004 में इसके खुलने से लेकर 2012 तक गवर्नर्स के अध्यक्ष बने रहे वो यूनाइटेड लर्निंग ट्रस्ट के बोर्ड में भी बैठे और एक मुखर समर्थक हैं राज्य शिक्षा का छत्तीस सितंबर 2012 में वो साक्षरता चैरिटी फर्स्ट स्टोरी के माध्यम से उत्तर पश्चिम लंदन में बलिंगटन डांस अकादमी में निवास में लेखक बन गए फरवरी 2013 में ओ फेरल को ईस्टले उपचुनाव में लेबर उम्मीदवार के रूप में चुना गया था जो क्रिस ह्यून के इस्तीफे के कारण हुआ था सैंतीस वो डेली मेल और अन्य कंजर्वेटिव समर्थक अखबारों के एक अभियान का निशाना बन गए जिन्होंने ये दावा करने के लिए ओ फेरल की किताबों के उद्धरण या चुटकुले का इस्तेमाल किया कि वो कार्यालय के लिए अनुपयुक्त थे अड़तीस जैसा कि डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री के प्रश्नकाल के दौरान थिंग्स कैन ओनली गेट बैटर के अंश पढ़कर लेबर नेता एडमिलबन को शर्मिंदा करने का प्रयास किया उनतालीस ओ फेर ल ने लेबर के वोट शेयर में थोड़ी वृद्धि की लेकिन चौथे स्थान पर रहे चालीस उन्होंने घोषणा की कि वो 2015 में संसद के लिए खड़े होने का इरादा नहीं रखते थे इकतालीस मार्गरेट थेचर की मृत्यु पर ओ फेरल ने लेबर समर्थकों से अपनी नफरत को पीछे छोड़ने और उन लोगों को दान देने का आह्वान किया जो इसके तहत पीड़ित थे उसका शासन बयालीस उनके राजनीतिक और शिक्षा अभियानों का विवरण उनके संस्मरण थिंग्स कैन ओनली गेट गेटवसेज में दिया गया है व्यक्तिगत जीवन ओ फेरल के दो बड़े बच्चे हैं जो दोनों लैम्बेथ अकादमी में पढ़ते थे वो और उसका परिवार दक्षिण लंदन के क्लैफार्म में रहते हैं और वेस्टकॉक में छुट्टियां मनाते हैं तैंतालीस ओ फेरल की मुलाकात अपनी पत्नी जैकी से तब हुई जब वो बीबीसी रेडियो कॉमेडी में काम करती थीं वो प्रोडक्शन असिस्टेंट थीं जिन्हें आई एम सॉरी आई हैव नॉट ए क्लू के दौरान हमफ्री लिटिलटन के पास मंच पर बैठना था और ओ फेरल ने मजाक में कहा मैंने प्यारी सामंथा से शादी कर ली चौवालीस उन्होंने अपना अधिकांश लेखन लंदन लाइब्रेरी में किया है पैंतालीस वो फुलहम एफ सी छियालीस का समर्थन करते हैं और क्लब फैनज़ाइन में खुलासा किया कि उनके प्रत्येक उपन्यास में पात्रों का नाम एक विशेष फुलहम टीम के खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया है सैतालीस मेलानी थांडीवे न्यूटन ओबी आई डब्ल्यू ई तनडी एक जन्म 6 नवंबर उन्नीस जिसे पहले थांडी न्यूटन टी ए एन डी आई तनडी के नाम से जाना जाता था है एक ब्रिटिश अभिनेत्री उन्हें दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन के अलावा एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और एक बाफ्टा टीवी पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन्हें फिल्म और चैरिटी की सेवाओं के लिए 2019 के नए साल के सम्मान में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ओबी का अधिकारी नियुक्त किया गया था दो न्यूटन को बेलब्ड उन्नीस में शीर्षक चरित्र मिशन इम्पॉसिबल दो टू में न्या नो डोफ हॉल शेड में टिफनी दो द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक दो में डेम वाको क्रिस्टीन जैसी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है क्रैश 2004, लिंडा इन द प्रोस्यूट ऑफ हैप्पीनेस 2006, हजार लिब्बी इन रन फैट बॉय रन 2007, स्टेला इन रॉक एंड दो 2008, आठ राइस इन डब्ल्यू 2008, हजार लॉरा विल्सन इन दो हजार टैंगी एड्रोस फॉर कलर्ड गर्ल्स ट्वेंटी टेन वेस्टवर्ल्ड में मेव मिले दो हजार लाइन ऑफ ड्यूटी दो हजार में रोज हंटले और सोलो ए स्टार वॉर स्टोरी 2018 में वेल प्रारंभिक जीवन मेलानी थांडीवे न्यूटन का जन्म 6 नवंबर उन्नीस को लंदन के वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में हुआ था वह जिम्बाब्वे की मां न्याशा जॉम्बे और अंग्रेजी पिता निक न्यूटन की बेटी थीं तीन चार उनकी मां शोना सरदार परिवार की सदस्य थीं तीन चार जबकि उनके पिता एक प्रयोगशाला तकनीशियन और कलाकार के रूप में काम करते थे पांच उसके माता पिता जाम्बिया में रहते थे और उसका जन्म तब हुआ जब वे इंग्लैंड में रिश्तेदारों से मिलने गए थे फिर वे जाम्बिया लौट आए जहां बाद में उनके छोटे भाई का जन्म हुआ छह सात इसके कारण कुछ स्रोतों में उनके जन्मस्थान को गलत तरीके से जाम्बिया बताया गया है आठ लेकिन उन्होंने साक्षात्कारों में पुष्टि की है कि उनका जन्म वेस्टमिंस्टर में हुआ था नाइन दस थांडीवे नगुनी मूल का एक नाम है और इसका अर्थ है प्रिय ग्यारह बारह जब न्यूटन तीन साल की थी तो वह अपने परिवार के साथ इंग्लैंड लौट आई जहां वे पेंज़ेंस में बस गए ताकि उनके पिता अपने परिवार के प्राचीन व्यवसाय को चलाने में मदद कर सकें छह उन्होंने सेंट मैरी रोमन कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की तेरह उन्होंने बाद में अपने पालन पोषण के बारे में कहा लगभग पाँच साल की उम्र से मुझे पता था कि मैं फिट नहीं हूं मैं ननों द्वारा संचालित पुनर्तः श्वेत कैथोलिक स्कूल में काली नास्तिक बच्ची थी मैं एक विसंगति थी चौदह उसने अपने पहले नाम से डब्ल्यू अक्षर को हटाना शुरू कर द या जिससे ये थैंडी उच्चारण आई तंडी हो गया तीन चार उन्होंने ट्रिंग पार्क स्कूल फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में नृत्य का अध्ययन किया फिर डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया जहां उन्होंने उन्नीस में सामाजिक मानव विज्ञान में डिग्री प्राप्त की पंद्रह करियर दो में न्यूटन न्यूटन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत आने वाले समय की कॉमेडी ड्रामा फ्लिटिंग उन्नीस से की जिसे उन्नीस में फिल्माया गया था लेकिन दो साल के लिए बंद कर दिया गया उन्हें थैंडी न्यूटन के रूप में श्रेय दिया गया और बाद में उन्होंने पेशेवर रूप से इस नाम का उपयोग करना जारी रखा तीन दस इसके बाद उन्होंने ब्रैड पिट और टॉम क्रूज की फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर उन्नीस में गुलाम येवेटे की भूमिका निभाई न्यूटन पेरिस में जेफरसन के मचेंट आइवरी प्रोडक्शन में सैली हैमिंग्स के रूप में दिखाई दिए इसके बाद उन्होंने टोनी मॉरिसन के उपन्यास पर आधारित जॉनथन डेमे के नाटक बिलब्ड उन्नीस में अभिनय किया जिसमें उन्होंने शीर्षक किरदार निभाया एक युवा गुलाम लड़की का भूत जिसकी मां उसे गुलामी से बचाने के लिए मार देती है फिल्म में ओपरा विन्फ्रे और डैनी ग्लोवर ने भी अभिनय किया न्यूटन ने मिशन इम्पॉसिबल दो में एक बार फिर क्रूज के विपरीत न्यानोडो फॉल की भूमिका निभाई उनकी अगली भूमिका कम बजट की फिल्म इट वॉज एन एक्सीडेंट में थी जिसे उनके पति पटकथा लेखक ओल पाकर ने लिखा था 16. 2010 में न्यूटन 2003 और 2005 के बीच न्यूटन ने अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला ई आर में जॉन कार्टर की प्रेमिका माकम्बा केम लिकासू की भूमिका निभाई उन्होंने दो में श्रृंखला के समापन के लिए भूमिका दोहराई 2004 में वो द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक एंड क्रैश में भी दिखाई दी उन्होंने क्रैश में अपनी भूमिका के लिए 2006 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बाफटा पुरस्कार जीता उन्होंने द परिस्ट्यूट ऑफ हैप्पीनेस में क्रिस गार्डनर की पत्नी लिंडा गार्डनर की भूमिका निभाई इसके अलावा 2006 में न्यूटन ने सिंड्रेला के एक अभिनय सम स्करण में रेडियो पर प्रदर्शन किया सत्रह दो में न्यूटन ने कॉमेडी नॉर्बिट में अपनी प्रेमिका के रूप में एडी मफी के साथ अभिनय किया उन्होंने 2008 की कॉमेडी रन फैट बॉय रन में साइमन पैक के साथ उनकी पूर्व प्रेमिका की भूमिका निभाई इसके बाद उन्होंने कोंडोलिजा राइस अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पश्चिम में तत्कालीन विदेश मंत्री राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जीवनी ओलिवर स्टोन की भूमिका निभाई ये फिल्म अक्टूबर 2008 में रिलीज हुई थी न्यूटन 7 जुलाई 2007 को लाइव अर्थ के यू के चरण के लिए वैम्बली स्टेडियम में एक परिचय करता थे वो संगीत कार्यक्रम में पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर का परिचय देने वाली थीं लेकिन इसमें देरी हो गई जिसे दर्शकों का मनोरंजन करने के प्रयास में न्यूटन को चुटकुले सुनाने पड़े 18 न्यूटन ने अगली बार 2012 में काल्पनिक यूएस फर्स्ट डॉटर लोरा विल्सन का किरदार निभाया जो रोलैंड एमरिज द्वारा निर्देशित एक आपदा फिल्म थी और तेरह नवम्बर दो को रिलीज हुई थी जुलाई 2011 में न्यूटन ने अन्यता को गले लगाना स्वयं को गले लगाना विषय पर एक टेड वार्ता दी उन्होंने दो अलग अलग संस्कृतियों में पली बड़ी एक बच्ची के रूप में और कई अलग अलग किरदार निभाने वाली एक अभिनेत्री के रूप में अपनी अन्यता खोजने पर चर्चा की उन्नीस दो में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुड डीड्स में टायलर पैरी के साथ अभिनय किया वो पेरी की फिल्म फॉर कलर गर्ल्स 2010 में भी थी जो रंगीन लड़कियों के लिए नोटोजिक शांगे की 1975 की मूल कुरियोपोम से अनुकूलित थी जिन्होंने आत्महत्या पर व चार किया है जब इंद्रधनुष एन्फ है 2013 में न्यूटन ने दुष्ट में अभिनय किया जो डायरेक्ट टीवी के ऑडियंस नेटवर्क के लिए पहली मूल नाटक श्रृंखला थी 20 उसने तीसरे सीजन के दौरान दुष्ट को छोड़ दिया 2015 में उन्होंने यूएस मिनिस्टरीज द स्लैप में अभिनय किया 2016 से 2022 तक न्यूटन ने एचबीओ विज्ञान कथा नाटक श्रृंखला वेस्टवर्ल्ड में मेव मिलय को चित्रित किया जिसके लिए उन्होंने सार्वभौमिक प्रशंसा प्राप्त की उन्हें कई प्रशंसाएं मिली जिनमें ड्रामा सीरीज़ में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड तीन नामांकन में से दो क्रिटिक्स चवाइस अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन शामिल हैं एम्पायर के लिए जेम्स वाइट ने न्यूटन के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा थैंडी न्यूटन इन भावनात्मक क्षणों को खत्म कर रहा है मेव को बिना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताए एक चिकोटी घबराई हुई हवा दे रहा है और वास्तव में हमें उसके लिए महसूस करने में मदद कर रहा है 21 कॉम्प्लेक्स के लिए विलियम गुडमैन ने लिखा वेस्टवर्ल्ड हैंडी न्यूटन शो बन गया है जिससे इसमें शामिल सभी लोगों को फ़ायदा होता है वो लगातार इलेक्ट्रिक है और श्रृंखला उसे मजेदार चीजों की कोई कमी नहीं देती है बाईस दो में उन्होंने बिल कॉस्बी फॉल ऑफ एन अमेरिकन आइकॉन नामक वृचित्र के लिए एक कथावाचक के रूप में काम किया जो कॉस्बी के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एक एक्सपोज था जो बीबीसी वन पर प्रसारित हुआ था उसी वर्ष न्यूटन ने बीबीसी वन की लाइन ऑफ ड्यूटी के चौथे सीजन में डीसीआई रोजिन रोज हंटले की भूमिका निभाई इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार नामांकन मिला न्यूटन स्टार वास फिल्म सोलो ए स्टार वास स्टोरी में वैल के रूप में दिखाई दिए जो मई 2018 में आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी लेकिन दुनिया भर में तीन सौ मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर असफल रही तेईस न्यूटन स्टार वार्स फिल्म में प्रमुख गैर विदेशी भूमिका निभाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी हालांकि उन्होंने इस भूमिका पर निराशा व्यक्त की क्योंकि फिल्मांकन के दौरान चरित्र का भाग्य बदल गया था और उन्होंने पाया कि यह फ्रेंचाइजी के लिए एक गलती थी इस अर्थ में कि फ़्रेंचाइजी में अश्वेत महिलाओं के लिए इसका क्या मतलब था 24 इसके अतिरिक्त फोब्स के लिए स्कॉट मैंडल्सन ने महसूस किया कि न्यूटन का कम उपयोग किया गया था और वल्चर के लिए डेविड ए डेल्स्टीन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा में लिखा था थैंडी न्यूटन के प्रदर्शन में केवल एक चीज गलत थी कि वो पर्याप्त नहीं थी 25-26 2021 के एक साक्षात्कार में न्यूटन ने घोषणा की कि वह अपना पहला नाम वापस उसके मूल रूप थांडीवे में बदल देंगी 27 और इसकी शुरुआत का श्रेय रेमिनिसेंस दो को दिया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने पिछले प्रदर्शन क्रेडिट में सुधार लागू करने का प्रयास करेंगी तीन 2022 में न्यूटन ने थरिलर गोड्स कंट्री में सैंड्रा गाइड्री की मुख्य भूमिका निभाई जिसका प्रीमियर सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें गोथम अवार्ड्स में उत्कृष्ट मुख्य प्रदर्शन के लिए नामांकन मिला 28. दान कार्य 2006 में न्यूटन ने एनएसपीसीसी की सहायता से प्रकाशित बच्चों के लेखन की एक पुस्तक वी विश होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ कॉनवर्ल्ड चिल्ड्रेन की प्रस्तावना में योगदान दिया इसमें उन्होंने कॉनवॉल में बड़े होने की अपनी बचपन की यादों के बारे में लिखा और जिस तरह से इसकी सांस्कृतिक विरासत ने उनके लिए हर स्थिति को जादू और अर्थ की परतों से समृद्ध करना आसान बना दिया उनतीस 2008 में न्यूटन ने माली के गरीबी से जूझ रहे नामपासो गांव का दौरा किया और इसे एक विनम्र अनुभव बताया तीस दो में न्यूटन ने न्याय लैंगिक समानता और हिंसा की समाप्ति के लिए लंदन में वन बिलियन राइजिंग फ्लैश मॉब का नेतृत्व किया इकतीस व्यक्तिगत जीवन न्यूटन ने उन्नीस में अंग्रेजी फिल्म निर्माता ओ एल पाकर से शादी की वे 2022 में अलग हो गए बत्तीस तैंतीस उनकी दो बेटियां हैं रिप्ले जन्म 2000 और निको जन्म 2004 और एक बेटा बुक जन्म 2014। तीनों का जन्म घर पर हुआ था चौंतीस निको एक अभिनेत्री भी हैं न्यूटन उन्नीस से निकोल किडमैन के साथ घनिष्ठ मित्र रहे हैं पैंतीस न्यूटन वर्तमान में अमेरिकी संगीतकार एलिजा डायस के साथ रिश्ते में हैं जिन्हें उनके स्टेज नाम लोन से बेहतर जाना जाता है जो उनसे चौबीस साल छोटे हैं छत्तीस सैंतीस न्यूटन एक शाकाहारी हैं और उन्हें यूके में पेटा द्वारा 2014 का सबसे सेक्सी शाकाहारी नामित किया गया था अड़तीस दो में जब ग्रीन पीस के सदस्यों ने हाल ही में खरीदी गई बीएमडब्ल्यू एक्स पर एक स्टिकर लगा दिया जिस पर लिखा था कि यह गैस छोड़ने वाली फोर बाई फोर जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है तो उन्होंने कार बेच दी और टोयोटा प्रियस खरीदी उनतालीस उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण व्यक्त किया है चालीस इकतालीस रन फैट बॉय रन का निर्देशन करने वाले डेविड श्विमर ने फिल्म सेट पर उनके व्यवहार के लिए उन्हें व्यावह रिक चुटकुलों की रानी कहा बयालीस 2016 में न्यूटन ने कहा कि वह एक निर्देशक की शिकार रही हैं जिसने अपने दोस्तों को बार बार एक किशोरी के रूप में बनाए गए यौन ग्राफिक ऑडिशन में उनका वीडियो दिखाया था तैंतालीस चौवालीस उन्होंने इस अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने वेस्टवर्ल्ड की भूमिका क्यों निभाई जिसमें पर्याप्त नग्नता शामिल थी और यौन शोषण से बचे लोगों के अनुभवों को प्रतिबिंबित किया गया था साथ ही मानव होने का क्या मतलब है इसके बारे में नैतिक प्रश्न भी पूछे गए थे चौवालीस ट्वेंटी में उन्होंने कहा कि वह यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक आंदोलन न टाइम अप में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने से निराश थीं ये देखते हुए कि एक निर्देशक द्वारा कथित यौन शोषण के बारे में बोलने के लिए उन्हें बहिष्कृत किया गया था पैंतालीस फैशन वेबसाइट नेट एपोर्टर द्वारा न्यूटन को 2018 में सबसे अच्छी पोशाक वाली महिलाओं में से एक का दर्जा दिया गया था छियालीस उस वर्ष बाद में उन्हें पावलिस्ट में 100 सबसे प्रभावशाली काले ब्रिटिश लोगों में से एक के रूप में नामित किया गया था सैंतालीस 2020 में न्यूटन उन कई मशहूर हस्तियों और सांसदों में से एक थे जिन्होंने यूके से जमैका में पचास दोषी अपराधियों के निर्वासन का विरोध करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे अड़तालीस फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां उन्नीस सौ इक्यानवे छेड़खानी करना थांडीवे अज्जेवा उन्नीस युवा अमेरिकी राचल स्टीवंस उन्नीस सौ चौरानवे लदाहुआ जिंटा इंटरव्यू विथ वेम्पायर यूवेट उन्नीस सौ पचानवे पैरिस में जेफरसन सैली हैमिंग्स ऑगस्ट किंग की यात्रा एनालिस विलियम्सबर्ग उन्नीस अग्रणी व्यक्ति हिलेरी नियम उन्नीस सौ ग्रिड लॉक किया गया बाबरा कुकी कुक उन्नीस घेर लिया शांडुराई नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्लैक रील पुरस्कार प्यारा प्यारा नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एनएसीपी इमेज अवार्ड नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट अवार्ड मोशन पिक्चर 2000 मिशन असंभव दो न्याडोफ हॉल नामांकित पसंदीदा महिला के लिए ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट अवार्ड नवागंतुक नामांकित सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेत्री के लिए एम्पायर अवार्ड नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एनएसीपी इमेज अवार्ड नामांकित सबसे खराब सहायक अभिनेत्री के लिए रेजी अवार्ड वह एक हादसा था नोरिनहर लॉक दो हजार दो चाली के बारे में सच्चाई रेजनल लैम्बर्ट नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्लैक रील पुरस्कार नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए एनएसीपी इमेज अवार्ड दो छाया टिफनी 2004 रिद्दी का इतिहास डेम वाको टकरा जाना क्रिस्टीन थाल सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए ब्लैक रील पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एम्पायर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सकल पुरस्कार ब्रिटिश सहायक अभिनेत्री के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सकल पुरस्कार फिनिक्स सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के लिए फिल्म क्रिटिक सोसाइटी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के लिए सैटेलाइट पुरस्कार मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोशन पिक्चर स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बीटी पुरस्कार नामांकित ब्लैक सहायक भूमिका में किसी अभिनेत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मूवी अवार्ड wow. नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ब्लैक रील अवार्ड नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एनएसीपी इमेज अवार्ड 2006 हजार द परिस्यूट ऑफ हैप्पीनेस लिंडा नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एनएसीपी इमेज अवार्ड 2007 हजार सात नॉर्बिट के थॉमस फैट बॉय भागो भागो लिब्बी 2008 हजार आठ रॉकनोला स्टेला दोस्तों को कैसे खोएं और लोगों को कैसे अलग करें स्वयं डब्ल्यू कॉन्डोलिजा रायस दो शून्य शून्य नौ दो शून्य एक दो लॉरा विल्सन दो हजार दस विशाल क्रिस सातवीं स्ट्रीट पर गायब हो जाना रोजमेरी रंगीन लड़कियों के लिए टैंगी एड्रोज सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए ब्लैक रील पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्लैक रील पुरस्कार 2011 पीछे हटना केट कैनेडी 2012 अच्छे कर्मलिन से वेकफील्ड। 2013 पीले सूरज का आधा हिस्सा ओलाना 2018 हजार बोनी सोइंग का। सोलो ए स्टार वास स्टोरी वेल। जॉन एफ डोनोवन की मृत्यु और जीवन न्यू हाउस 2021 संस्मरण एमिली वथ सैंडर्स 2022 भगवान का देश सैंड्रा गाइड्री सभी पुराने चाकू सेलिया हैरिस 2023 चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट अदरक आवाज जूलिया सावलहा की जगह जाचरी लेवी पोग जन्म 29 सितंबर 1980 दो एक अमेरिकी अभिनेता और गायक हैं उन्होंने चक श्रृंखला में चक बाटोस्की के रूप में और शाजम में शीर्षक चरित्र तीन चार के रूप में अभिनय किया और इसका 2023 सीक्वल उन्होंने 2010 की एनिमेटेड फिल्म टैंगल में फ्लिन राइडर को आवाज़ दी जहां उन्होंने मैंडी मूर के साथ आई सी द लाइट का प्रदर्शन किया इस गीत ने विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत का ग्रैमी पुरस्कार जीता पांच छह उन्होंने 2012 की लघु फिल्म टैंगल्ड एवर आफ्टर और 2017 में रोपनजिल्स टेंगल्ड एडवेंचर सात फिल्म पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला में आवाज की भूमिका दोहराई आठ वो थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रग्नारोक फिल्मों में फैंडरल के रूप में दिखाई दिए लेवी ने 2016 में शी लव्ज मी के ब रॉडवे पुनरुद्धार में लॉरा बेनंती के साथ जॉर्ज नोवाक के रूप में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें टोनी पुरस्कार नामांकन मिला 2022 में लेवी ने रेडिकल लव लर्निंग टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड अदर्स नामक एक संस्मरण स्वसहायता पुस्तक प्रकाशित की नौ प्रारंभिक जीवन लेवी का जन्म लेक चार्ल्स लुइजियाना में हुआ था जो सुसान मैरी नी हॉप्टर उन्नीस सौ और डेरिल एल्टन पोग उन्नीस सौ के पुत्र थे दो दस उनके पास अंग्रेजी जर्मन और वेल्श वंशावली है ग्यारह बारह जब वो बच्चे थे तो उनका परिवार कैलिफोर्निया के वेंचुरा में अपने घर लौटने से पहले कई राज्यों में चला गया जहां उन्होंने चार साल तक ब्यूना हाई स्कूल में पढ़ाई की तेरह उन्होंने छह साल की उम्र में मंच पर अभिनय करना शुरू किया ग्रीज द आउटसाइडर्स ओक्लाहोमा जैसी क्षेत्रीय प्रस्तुतियों में मुख्य भूमिकाएं निभाई ओलिव द विजार्ड ऑफ ओज और ओजाई आर्ट सेंटर में बिग रिवर एक करियर अभिनय 2009 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लेवी लेवी पहली बार एफएक्स टेलीविज़न फिल्म बिग शॉट कन्फेशंस ऑफ ए कैंपस बुकी में दिखाई दी उन्होंने एबीसी सिटकॉम लेस दैन परफेक्ट में किप स्टीडमैन की भूमिका निभाई उन्होंने तत्कालीन एबीसी फ़ैमिली टेलीविज़न फिल्म सी जेन डेट में करिश्मा कारपेंटर के चरित्र जेन के संभावित प्रेमी की भूमिका भी निभाई लेवी को 2004 हजार चार बटा दो टेलीविजन सीजन के लिए थरी नामक एबीसी पायलट में मुख्य भूमिका निभानी थी लेकिन शो को नहीं चुना गया 14. उन्हें 2007 में चक में मुख्य भूमिका मिली लेवी और उनके चक के सह कलाकार यवोन् स्ट्राहोस की दोनों को टीन चवाइस अवार्ड्स 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन अभिनेता और अभिनेत्री चवायस टीवी सीरीज के लिए नामांकित किया गया था जहां वे दोनों जीते और प्रस्तुत किए पन्द्रह दो हजार आठ की गर्मियों में लेवी को एंटरटेनमेंट वीकली के टॉप थर्टी पीपल अंडर थर्टी में से एक नामित किया गया था सोलह बाद में उन्होंने फिल्म एल्विन एंड द चिपमकस द स्क्विंक्वल में डेव के चचेरे भाई टोबी सेविले की मुख्य भूमिका निभाई सत्रह उन्होंने दो हजार की डिज्नी एनिमेटेड फीचर फिल्म टैंगल में अभिनय किया जो लोकप्रिय परी कथा रोपुंजिल पर आधारित है वो फिल्म राइडर नामक एक डाकू की आवाज देता है जो रोपुंजिल के टॉवर में शरण पाता है उन्होंने 2011 की फिल्म अंडर द बोर्ड वॉक द मोनोपोली स्टोरी मोनोपोली के खेल के बारे में एक वृचित्र में वर्णन प्रदान किया 18 लेवी ने 2011 हजार ग्यारह स्पाइक वीडियो गेम अवार्ड्स की मेजबानी की उन्नीस फरवरी दो में तिरासीवें अकादमी पुरस्कार में लेवी बडी टीवी ने उन्हें 2011 हजार ग्यारह केटीवी के सबसे सेक्सी पुरुषों की सूची में हैश सत्तानवे 20 लेवी ने 2012 हजार बारह के टीवी पायलट लेट एट गो में मुख्य भूमिका निभाई जो फॉक्स पर प्रसारित होता लेकिन उसे नहीं चुना गया 21 लेवी ने नए टूम रेडर गेम के पर्दे के पीछे जाकर वेब विचित्र टूम रेडर द फाइनल आवर्स की मेजबानी की वह मूल रूप से थौर में फैंडरल का किरदार निभाने वाले थे लेकिन चक के साथ शेड्यूलिंग टकराव के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा बाईस उन्होंने मूल अभिनेता जोश डलास के अपने स्वयं के शेड्यूलिंग घर्षों के बाद और संक्षेप में थोर रग्नारोक 2017 में अगली कड़ी थोर द डार्क वर्ल्ड 2013 में भूमिका निभाई लेवी ने अगस्त 2013 में म्यूजिकल कॉमेडी फर्स्ट डेट के प्रोडक्शन में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया 23 जनवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि लेवी एनबीसी की 13 एपिसोड मिनी सीरीज हीरोज्रीबॉर्न के कलाकारों में ल्यूक कोलिंस के रूप में मुख्य सदस्य होंगे चौबीस शो को दूसरे सीजन के लिए नहीं चुना गया पच्चीस उन्होंने हुलू मूल श्रृंखला डेडबीट में अब्राहम लिंकन के रूप में अतिथि भूमिका भी निभाई छब्बीस लेवी शी लव्स मी के ब्रॉडवे पुनरुद्धार के कलाकारों में जॉर्ज की मुख्य भूमिका में शामिल हुईं उनके साथ लॉरा बेनेंटी अमालिया के रूप में शामिल हुईं 19 फरवरी 2016 को पूर्वावलोकन के बाद इसे 17 मार्च 2016 को स्टूडियो चावन में 12 जून तक सीमित भागीदारी के लिए खोला गया 27 27-28 बाद में इसे 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया जब ये बंद हो गया उनतीस तीस प्रोडक्शन को काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली द गार्जियन से पांच स्टार प्राप्त हुए और इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए आलोचकों की पसंद के रूप में चुना गया इकतीस बत्तीस लेवी को